नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. तो मेन ओर्स कौन सी हैं एल्यूमिनियम की? दीज आर बॉक्साइट ओर, Al2O3.2H2O, देन क्रायोलाइट Na3AlF6 एंड फेल्सपार KalSi3O8. बट इनमें से जो सबसे मेन ओर है दैट इज़ बॉक्साइट ओर, एंड इसी बॉक्साइट ओर से हमें एल्यूमिनियम को करना है एक्सट्रैक्ट. ठीक है, तो व्हाट आर द स्टेप्स? सबसे पहले ओर, ओर इज बॉक्साइट ओर. तो फर्स्ट स्टेप है इसका कंसंट्रेशन. हमेशा जब भी मेटलर्जी करते हैं ओर को पहले हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन उसका कंसंट्रेशन करते हैं. तो इस केस में कंसंट्रेशन होगा बाय लीचिंग. ऑलरेडी डिस्कस्ड, लीचिंग में क्या होता है, जो ओर होती है उसको किसी सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व करते हैं, वो डिसॉल्व हो जाएगी, बट जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो डिसॉल्व नहीं होती, और उसको हम फिल्टर ऑफ करके फिर हम सेपरेट कर लेते हैं. तो यहाँ पे बॉक्साइट ओर की लीचिंग करते हैं. सो आफ्टर लीचिंग वी विल गेट प्योर एल्यूमिना. तो लीचिंग इज़ डन बाई द बेयर्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस वेयर प्योर एल्यूमिना, एल्यूमिना इज Al2O3, इज ऑब्टेन्ड बाई बॉक्साइट ओर. ये हमारी बॉक्साइट ओर थी, इससे हमने बेयर प्रोसेस के थ्रू प्योर एल्यूमिना ऑब्टेन कर लिया. तो दिस इज कंसंट्रेशन. जब कंसंट्रेशन हो गया तो उसके बाद जो लीच्ड एल्यूमिना आया हमारे पास, लीचिंग के बाद जो एल्यूमिना आया उसकी करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है, तो लीच्ड एल्यूमिना गेट्स इलेक्ट्रोलाइज्ड, एंड दिस इज डन बाय द हॉल हेरॉल्ट प्रोसेस. ये प्रोसेस का नाम है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं. तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड एल्यूमिना, इसमें क्या होता है, एक इसमें आयरन का टैंक है. ठीक है, ये आयरन टैंक है, एंड दिस इज लाइंड विद द कार्बन कैथोड. ये कार्बन की लाइनिंग है जो कैथोड का काम करती है, विच इज अटैच्ड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. कैथोड नेगेटिव है. ठीक है, इसमें साथ में जो कार्बन की रॉड्स, ग्रेफाइट रॉड्स अंदर डिप्ड हैं, वो एनोड का काम करती हैं. एनोड है तो इसको हम पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं. जो अंदर सॉल्यूशन है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, दैट इज मॉल्टन सॉरी Al2O3 एंड क्रायोलाइट. इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मॉल्टन Al2O3 है, वही हमारा एल्यूमिना, प्योर एल्यूमिना. एंड साथ में हम इसमें ऐड कर देते हैं क्रायोलाइट. व्हाई वी ऐड क्रायोलाइट? बिकॉज जो एल्यूमिना है दिस इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो क्रायोलाइट हम ऐड करते हैं सो दैट एक तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, कंडक्टिविटी है, वो बढ़ जाए. इसका जो काम है क्रायोलाइट का, इट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड ऑल्सो इट डिक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट अप टू 1173 केल्विन. मीन्स जो स्टार्टिंग में मॉल्टन एल्यूमिना का जो ये मेल्टिंग टेम्परेचर है वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 2000 डिग्री सेल्सियस, बट जब हम इसमें क्रायोलाइट ऐड कर देते हैं तो जो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर है वो काफ़ी कम हो जाता है, अप टू 1173 से वो डिक्रीज हो जाएगा. यानी उस केस में 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है. ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा फंक्शन है और NCERT में क्वेश्चन भी है, फंक्शन ऑफ क्रायोलाइट. ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइट. मींस कैथोड कार्बन का, एनोड भी ग्रेफाइट रॉड कार्बन की, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मॉल्टन एल्यूमिना प्लस क्रायोलाइट. एंड साथ में इसमें हम पाउडर्ड कोक भी ऊपर से डाल देते हैं, और इसका काम होता है टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड लॉस ऑफ हीट. जो रेडिएशन की वजह से इसमें हीट एक्स्ट्रा डेवलप हो रही है वो लूज ना हो जाए, इसलिए हम इसमें पाउडर्ड कोक डाल देते हैं ऊपर लेयर्ड फॉर्म में. ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन को भी प्रिवेंट करता है. तो ये तो हो गया सेटअप पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का. अब इसमें जो रिएक्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, बिकॉज यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज़ एल्यूमिना Al2O3, वो डिसोशिएट हो जाएगा अपने आयन्स में, एल्यूमिनियम आयन्स प्लस ऑक्साइड आयन्स. ठीक है, Al2 है तो 2 यहाँ पे Al आ गया, O3 है तो 3 यहाँ पे O आ गया, ये केटायन 3 पॉजिटिव और ये एनायन नेगेटिव. तो आपको पता है केटायन
रिएक्शन शो करेंगे एट कैथोड एंड एनायन शो करेंगे एट एनोड. तो व्हाट आर द मेन रिएक्शंस? कैथोड का जो रिएक्शन होगा एल्यूमिनियम आयन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. रिडक्शन कैथोड पे होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो जाएगा मॉल्टन एल्यूमिनियम में. मॉल्टन क्यों कहा? क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है. मॉल्टन एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एट कैथोड. रिडक्शन होगा एंड एट एनोड क्या होता है? जो ऑक्साइड आयन है वो कार्बन, ये कार्बन जो ग्रेफाइट रॉड है जो जिसको हमने बोला कि भाई ये एनोड का काम करता है, वो इसके साथ कंबाइन होके कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगा बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, टू इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे एक हमने ऑक्साइड आयन लिया, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. दो ऑक्साइड आयन्स लेंगे तो फोर इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा एंड सेकेंड स्टेप में ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में. तो ये जो रिएक्शन है ये एनोड के रिएक्शन है, ये रिएक्शंस कैथोड के रिएक्शन है एंड जो ओवरऑल रिएक्शन है मेन दैट इज 2Al2O3 प्लस 3 कार्बन. ठीक है, कार्बन ये जो ग्रेफाइट है हमारा एनोड वो इसको रिड्यूस कर देगा एलिमिना को, किसमें? 4Al प्लस 3CO2. यही जो एल्यूमिनियम आया मॉल्टन लिक्विड कंडीशन लिखा है, मॉल्टन कंडीशन में इसको हम ये जो आउटलेट बना रखा है ये यहाँ से क्या होता है निकाल लेते हैं, इसको हम अलग कर लेते हैं. ठीक है, मॉल्टन कंडीशन में रहता है. और जो यहाँ पे एनोड ये जो ग्रेफाइट रॉड है इसको भी हम टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं क्योंकि ये भी रिएक्शन में यूज्ड अप हो जाती हैं. और जो मॉल्टन मेटल है यानी कि मॉल्टन जो एल्यूमिनियम है बीइंग हैवियर देन द मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट से भी ज़्यादा हैवी होता है इसलिए ये बॉटम पे सिंक होने लगता है, नीचे आ जाता है और इसको हम रिमूव आउट कर लेते हैं. दिस इज द मेन प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम बॉक्साइट ओर, मेन ओर है. ठीक है, बॉक्साइट मेन ओर है इसकी, इससे हम इसको हम पहले कंसंट्रेट करते हैं बाय लीचिंग. जब लीच्ड ओर हमारे पास आ गई, ठीक है, एल्यूमिना आ गया तो इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं बाय हॉल हेरॉल्ड प्रोसेस. तो यहाँ पे रिएक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या है, कैथोड क्या है और एनोड क्या है. ठीक है, ग्रेफाइट रॉड एनोड है और रिएक्शन होते हैं कैथोड पे, एनोड पे और साथ में ओवरऑल रिएक्शन के थ्रू हम प्योर एल्यूमिना प्योर एल्यूमिनियम यहाँ से सेपरेट आउट कर लेते हैं जो 99.9% तक प्योरीफाइड फॉर्म में होता है. एंड ऑल्सो ये क्रायोलाइट, पाउडर्ड कोक एंड ग्रेफाइट रॉड, इनके फंक्शंस भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. ठीक है,